So hello everyone, today we are going to start with the costing contract method. तो हमने in the first video हमने देख लिया था first year के accounts कैसे बनेंगे, और हमारा pending रह गया था second year के accounts देखना और third year के accounts देखना. और हमने last video में ये भी discuss किया कि जो notional profit है वो एक particular कुछ formulas होते हैं कि किस प्रपोर्शनेट में वो कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा और कितना वो रिजर्व के अंदर जाएगा, तो वो भी आज डिस्कस करेंगे. तो जो सेकंड ईयर में आएगा वो आपका आएगा, जो पहले के आपके बैलेंस सीडी हो गया था वो आके ब्रॉड डाउन हो जाएगा. जितना भी सामान बच गया था, जितना भी आपका काम हो गया था, वो सब इसके अंदर आएगा. तो बैलेंस बीडी के अंदर जितना आपका वर्क सर्टिफाई हो गया था, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड क्या होता है ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था. तो ये आपका आएगा जितना काम हो चुका है आपका. मान लो कि 20% काम आपका ख़त्म हो गया है और बाकी का 80% काम बचा है, तो 20% काम डेबिट साइड में आपका आएगा. उसके बाद इन दोनों का जो टोटल होगा वो रिजर्व के अंदर से माइनस होगा. माइनस क्यों होगा? क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल किसी मिस्टर एक्स को 12 लाख की पेमेंट दी, 12 लाख की पेमेंट मिली किसी कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो 12 लाख कहाँ शो होंगे? आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर ना शो होके वो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में शो होंगे, और वहाँ पर या तो वो डेबिट साइड से माइनस होंगे या फिर वो डायरेक्टली क्रेडिट साइड पर आप पुट ऑन कर दोगे पूरा का पूरा अमाउंट. दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं इसके. तो जो आपकी ये रिजर्व माइनस हो रहा है, जो आपकी अनपेड रह गई है प्रीवियस ईयर की अमाउंट, उसमें जितना आपने जितना पेड कर चुका है वो माइनस होगा, क्योंकि वो उसके अंदर इंक्लूडेड होगा पहले से ही. तो ये सब पूरा होके इसके बाद टू मटेरियल सेंड टू साइट. अब जो नया मटेरियल आया सेकेंड ईयर में, जो नया मटेरियल भेजा कॉन्ट्रैक्टर ने साइट पर, वो उसमें आएगा. टू डायरेक्ट वेजेस, जो इस साल के सेकेंड ईयर के वेजेस खर्च हो रहे हैं वो आएंगे. टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस खर्च हो रहा है वो आएगा. डेप ऑन मशीनरी आएगा, डेप ऑन प्लांट आएगा. टू मटेरियल ऑन साइड, जो क्लोजिंग स्टॉक में बच गया था वो भी इसके अंदर आएगा. एक मटीरियल दो बार ही आपको दिखाई दे रहा होगा, टू मटीरियल सेंड टू साइड और टू मटीरियल ऑन साइड. तो ये तो है कि एक इस बार जो नया आया और जो बैलेंस बीडी से जो आया, दोनों के दोनों अमाउंट यहाँ आएंगे. उसके बाद इससे बन जाएगा आपका नोशनल प्रॉफिट. ऑन अ क्रेडिट साइड, जितना काम आपका 20% तो पहले ही हो गया था, 80% बचा था. 80% में से भी अगर 40% आपका हो गया है तो वो 40% इधर से होगा, टोटल आपका 60% काम खत्म हो गया है. उसके बाद जितना मटेरियल एट द एंड ऑफ द ईयर बच गया है सेकेंड ईयर में भी, वो क्रेडिट साइड पर आएगा. जो हम ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, ये एक तरह का हमारा नॉमिनल अकाउंट है. तो नॉमिनल अकाउंट में हम सारी की सारी जो एंट्री करते हैं वो अक्रूअल बेसिस पे करते हैं. इस साल का जो पैसा है वो तो मिलेगा ही, अगर पिछले साल का कोई पेंडिंग पैसा भी आपको मिल रहा है तो वो इसके अंदर एड ऑन हो जाएगा. हम इसमें ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि ये क्यूमुलेटेड वैल्यूज़ पर ये सारे अमाउंट हैं. क्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब कि जितना पिछले साल हो गया है वो भी इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है. ये इसके अंदर एक तरह की अजम्पशंस ऑलरेडी रहती है. इसके बाद वही कॉस्टिंग पीएनएल और रिजर्व के अंदर ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. कैसे कैसे होगा वो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में. इसके बाद आता है आपका थर्ड ईयर का अकाउंट. फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड ईयर में भी सेम अकाउंट आपके बनेंगे. बैलेंस ब्रॉड डाउन होएगा, जितना भी पैसा आपका सेकेंड ईयर में लगा था रिजर्व आएगा, रिजर्व माइनस होगा इसमें से. टू वेजेस पेड, जितने वेजेस दिए हैं इस साल. टू मटेरियल ऑन साइट, कितना मटेरियल है इस बार साइट पर, कितना आया इस बार, कितने एक्सपेंसेस खर्च हुए, इस बार का डेप्रिसिएशन कितना लगा. और इसमें नोशनल अकाउंट नहीं देखा जाता क्योंकि हमारी सारी की सारी अकाउंटिंग ख़त्म हो रही है, तो इसमें नोशनल अकाउंट नहीं निकालते. इसमें डायरेक्ट आपका पीएनएल कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट आ जाएगा. और हम इसके अंदर एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि कस्टमर ने जितना भी पैसा बचा था वो बैलेंसिंग फिगर आ जाता है, उसने सारा का सारा पैसा पे कर दिया. और इसमें आपका क्रेडिट साइड में एक आइटम आता है बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट.
मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर था, जितना भी आपका मटेरियल बच गया है वो सारा का सारा आपका वापस आ गया साइट पर नहीं, थोड़ी स्टोर रूम में वो सारा का सारा मटेरियल वापस आ गया। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहे होते हैं, जब एंड हो रहा होता है, तो बाय मटेरियल ऑन साइट की जगह हम बाय कॉन्ट्रैक्ट ही लिखते हैं। और हमारी जो लास्ट ईयर होता है उसमें हम कभी भी बैलेंस शीट नहीं बनाते, क्यों? क्योंकि सारे के सारे हमारा काम खत्म हो रहा है, हमारा वर्क कंप्लीट हो गया है, तो हमारा कुछ बैलेंस या बचा ही नहीं है, कुछ लायबिलिटी कुछ असेट्स नहीं है हमारे पास। और हम ये मान के चलते हैं कि कुछ भी पेंडिंग अमाउंट नहीं रह गया है, जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस हम करते थे, वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड वो भी हम नहीं लिखते, क्योंकि काम पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो ये थी हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर सेकेंड और थर्ड ईयर, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे हमारा जो नोशनल प्रॉफिट है वो डिवाइड होता है P&L के अंदर, कितना प्रोपोर्शनेट, कब कब कैसे कैसे डिवाइड होता है, जितना परसेंटेज ऑफ काम ख़त्म होता जाता है उसके हिसाब से हम इसको डिवाइड करते हैं, और उन दोनों का जो बैलेंस होता है, जो डिफरेंस आता है, वो चला जाता है हमारा सारा का सारा रिजर्व के अंदर अगले साल को यूज़ करने के लिए। तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो 2/3, ये दिख रहा होगा आपको ब्रैकेट के अंदर, नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 और 1/3 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो राइट साइड में ये जो पेंसिल से लिखा हुआ है, ऐसे ट्रीटमेंट हम करते हैं इसका। अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन, अगर उसका काम 25% से कम काम ख़त्म हुआ है, तो नोशनल अमाउंट पूरा का पूरा रिजर्व के अंदर चला जाता है, फिर उसके लिए कोई फॉर्मूला पुट ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर उसका काम 25% से ज़्यादा और 50% से कम ख़त्म हुआ है, अगर इस परसेंटेज में ख़त्म हुआ है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, तो फॉर्मूला लगता है 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव्ड जितना कैश मिल गया है और वर्क सर्टिफाइड जितना काम ख़त्म हो गया है। और अगर थर्ड आपका आता है, अगर 50% से ज़्यादा और 90% से कम काम ख़त्म हुआ हो, तो फॉर्मूला लगता है 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। और अगर 90% से ज़्यादा काम का आपका ख़त्म हो गया है, तो उस केस में हमने जो अभी ये फॉर्मेट देखा, ये फॉर्मेट ही पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। उसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालते हैं और एस्टिमेटेड प्रॉफिट को नोशनल प्रॉफिट से डिफ्रेंशिएट करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा अभी पेंडिंग है। ये जो आपको लेफ्ट साइड में चार फॉर्मूलेज दिख रहे हैं, ये इसका ट्रीटमेंट होता है एक्चुअली मोर देन 90% का। तो ये कैसे किया जाता है, वी विल सी इट इन द नेक्स्ट वीडियो।